नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है कुकिंग विद सुभाष कपूर। आज बनाएंगे आंवले का अचार और मुरब्बा। सबसे पहले पतीले में पानी बॉईल करेंगे। जैसे पानी बॉईल होगा इसमें 3 किलो आंवले डाल देंगे और ढक के 2 मिनट तक पकाएंगे, जब तक ये आंवला सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए, ढक के इसको पकाऊंगा मैं। 2 मिनट में ही आंवला मेरा सॉफ्ट हो गया। ये दबा के दिखाता हूँ आपको, गर्म है ये देखिए 90% तक पक चुका है, ये टूट रहा है। अब इसको एक छन्नी में, बड़ी छन्नी में छान लेंगे, राइस छन्नी में पानी निखार लेंगे इसका। पानी को फेंकेंगे नहीं, पानी बाल धोने के काम आता है। आंवले को धूप में रखेंगे 2 घंटे के लिए, तब तक मसाला बनाएंगे। आधा कप राई लिया मिक्सी में, इसको पीस लेंगे बड़ी बारीक करके, पीस लिया। इसके बाद डाल दिए 4 चम्मच जीरा, 3 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच बड़े वाले अजवाइन के डाल दिए। इसको भी हल्का सा पीसना है, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए मिक्सी में घुमाना है, ज़्यादा नहीं पीसें, मोटा मोटा ही रखना है ये बाकी मसाला। कुटी हुई लाल मिर्च ले ली मैंने 4-5 चम्मच, 3 चम्मच हल्दी, मिक्स करके आंवले में मिला देंगे। 2 किलो आंवले में मिलाना है, 1 किलो आंवले का मुरब्बा बनाऊंगा। नमक स्वाद अनुसार डाल दिया। 300 ml मैंने सरसों का तेल गर्म करके रख लिया था और ठंडा हो गया, उसको मिला दिया साथ में। 1 चम्मच लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी मैंने कलर के लिए। नमक मिर्च अपने स्वाद के मुताबिक रखें आप, मिला लिया। आप डब्बे में भर लेंगे इसको, आप चाहो तो कांच की शीशी में भी भर सकते हो। मैं प्लास्टिक के डब्बे में भर रहा हूँ, साफ सुथरा होना चाहिए डब्बा। ये मसाला पीछे बच गया, इसमें 1/2 कप सिरका डालूंगा और सारा मसाला मिला के ये भी अचार में डाल दूंगा। ये डाल दिया अचार में। 2 दिन अचार को धूप लगाने के बाद इसमें 250 ml तेल और डाल दूंगा मैं सरसों का गर्म करके। बाकी 1 किलो आंवला बचा है उसमें डाल देंगे चीनी। 500 ग्राम मैंने चीनी डाल दी है, ढक के रखा है इसको। तो देखिए, शाम तक ढक के रखेंगे आप तो अपने आप ही ये मेल्ट हो जाएगी चीनी इसमें। ये हल्की हल्की मेल्ट हो गई, अब इसको पकाएंगे। 2 से 3 मिनट तक पकाना तेज आंच पे, ताकि चाशनी इसकी थोड़ा गाढ़ी हो जाए। ये देखिए, चाशनी हमारी बिल्कुल लगभग गाढ़ी हो रही है। अब एकदम तेज आंच पे ही पकाना है, ये पक गया है, चाशनी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है इसकी। ठंडा करेंगे इसको भी, एक कांच की शीशी में भर देंगे। तो ये बन गया इसका मुरब्बा, शॉर्टकट मेथड है, अचार भी बन गया। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।